नवी मुंबई परिसर में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नवी मुंबई परिसर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में एक 24 वर्षीय रामचंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया है पुलिस ने कलवा से। इसमें जो पूरी जानकारी मिली है वो इस प्रकार है। 9 सितंबर को तुर्भे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है राजेंद्र आवाड़, इन्हें जो शिकायतकर्ता महिला है उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे घर पर एक अज्ञात चोर हमला कर देता है आकर के और मेरे सीने पर जो है टच कर एक मंगलसूत्र और 1000 रुपया कैश लेकर के फरार हो जाता है। घटना की शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा टीम बनाई जाती है और टीम बनाने के बाद जो है छानबीन की जाती है। छानबीन के दौरान उन्हें कलवा से उस आरोपी की शिनाख्त होती है और कलवा जाकर के पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस आरोपी से पूछताछ की जाती है, जहाँ पर उसके पास से जो है 26 मोबाइल फ़ोन बरामद की जाती है, जिसमें मार्केट की कीमत है 2,38,000 रुपये की। इसमें हम आपको बता दें ये जो आरोपी है ये काफ़ी शातिर आरोपी है। ये इसके घटनाएं जो है चोरी की काफ़ी सारी जो है अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जैसे रबाले हो गया, डायगर हो गया और APMC हो गया। ऐसे तमाम पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज थे मोबाइल चोरी के, और ऐसे में पुलिस ने इसे कलवा से गिरफ्तार किया है। देखिए क्या कुछ जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने दिया है इस केस को लेकर। 9 सप्टेंबरला पहाटेच्या सुमारास एका महिलेच्या घरामध्ये घुसून एक आरोपीने सदर महिलेबरोबर छेडछाड केली होती। त्याचप्रमाणे त्या महिलेचा विवो कंपनीचा मोबाईलसुद्धा घरफोडी करून चोरून नेला होता। आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र आव्हाड आणि सपोनी नांद्रे यांनी त्याचप्रमाणे त्यांच्या डिटेक्शन पथकाने याच्यामध्ये अतिशय चांगली मेहनत घेऊन आदित्य प्रेमचंद गुप्ता नामक एक आरोपी आम्ही त्यामध्ये अरेस्ट केला आणि त्याच्याकडून सदर गुन्ह्यामधील सर्व मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। या तपासामध्ये आणखी आढळून आलं की तुर्भे पोलीस स्टेशनचा 200/2021 हा जो गुन्हा आहे घरफोडीचा, तो गुन्हासुद्धा आम्ही उघडकीस आणलेला आहे। त्याच्यामध्ये सुमारे 30,000 रुपयाचं सोन्याचं पेंडंट आणि सोन्याच्या 2 अंगठ्या असं जवळजवळ 45,000 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही त्याच्यामध्ये सुद्धा जप्त केलेला आहे। अशा पद्धतीने 2 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत आणि यामध्ये सदर आरोपीकडे आम्हाला आणखी चौकशी करता त्याच्याकडे एकूण 26 मोबाईल त्याच्या कस्टडीमध्ये मिळून आलेले आहेत। या मोबाईलच्या बाबतीत सुद्धा त्याने हे मोबाईल कुठून आणले आणि तो कुठे विकणार होता किंवा त्याचा त्यामध्ये काय उद्देश होता याबाबत आम्ही आणखी तपास करत आहोत। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।